2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है, जहां इंडिया का मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी से होगा। यानी कि जब इंडिया के गठबंधन में 26 राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं और एनडीए के गठबंधन में 38 राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। हालांकि भक्त अभी भी यही कह रहे हैं कि शेर अकेला चलता है, पर किस तरीके से अकेले चल रहे हैं वो तस्वीर भी देश की जनता के सामने है कि इंडिया के गठबंधन से लड़ने के लिए 38 राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ा है। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प इस बार इंडिया ने लिया है, जहां इंडिया में 26 राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा असर डालने वाली है। पर दोनों ही गठबंधन में कुछ ऐसी पार्टियां रही जिन्हें ना तो न्योता मिला जब ना वो इसका हिस्सा बने। इसमें एक नाम आता है मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का, जिनकी अपनी पार्टी है AIUDF। उससे पहले मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब तमाम राजनीतिक पार्टियों में इस गठबंधन में शामिल होने के लिए कभी नीतीश कुमार से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को राजनीतिक न्योता ही नहीं मिला, जिसको लेकर के तमाम मुसलमानों का गुस्सा भी जो है वो सोशल मीडिया पर फूटता हुआ दिखाई दिया। कुछ एक तो इतना आगे निकले कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि इंडिया में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं, यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना बदरुद्दीन अजमल के गठबंधन को इंडिया के गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। तो तमाम तरीके से लोगों की सख्त प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, पर जमीनी हकीकत देखने की जरूरत कि कितना ज्यादा दमखम रखती हैं ये पार्टियां लोकसभा चुनाव में और क्यों इनको शामिल नहीं किया गया है, इस बड़े पहलू को भी देखने की जरूरत है। किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। इसी के मद्देनजर बीजेपी को 2024 में सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी एकता के लिए बेंगलोर में बैठक हुई, जिसमें विपक्ष के 26 दलों के नेताओं ने शिरकत की। सोनिया गांधी की मेजबानी में रही विपक्ष दलों की बैठक के मंच पर एक दूसरे के विरोधी नजर आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम सियासत करने वाली कोई पार्टी का मुखिया नहीं दिख रहा। विपक्ष की इस बैठक में ना ही असदुद्दीन ओवैसी है और ना ही बदरुद्दीन अजमल को बुलाया गया है। अब सवाल उठता है कि मुस्लिम दलों को लेकर अपने आप को सेकुलर कह जाने वाली पार्टियां ऐसे मौके पर सांप्रदायिक क्यों हो जाती हैं? एक समाज या धर्म के लोग जब दूसरे धर्म और समुदाय के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं तो उसे ही सांप्रदायिकता कहा जाता है। मुस्लिम पर आधारित राजनीति करने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टियां की एकता में बैठक में नहीं बुलाया गया। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना की पार्टी को बुलाया गया, जिसका हिंदुत्व एजेंडा जग जाहिर है। इसके बावजूद उद्धव को बुलाना और मुस्लिम राजनीतिक पार्टियों से परहेज कई सियासी संकेत देते हैं। ओवैसी ने इस बार खुलकर के बोल दिया कि AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी बैठक पर कहा, हमें इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि हम सच्चाई बोलते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मीटिंग में शिवसेना थी, क्या वो सेकुलर हो गई है? बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि नीतीश के क्षेत्र में मदरसे जला दिए गए जब गुजरात जल रहा था। नीतीश रेल मंत्री थे। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस से इतिहादुल मुस्लिमीन यही नहीं रुकी। और मौलाना बदरुद्दीन अजमल की AIUDF भी चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। इसके बाद भी पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में, बेंगलोर में हुई बैठक में मुस्लिम पार्टियों को नहीं बुलाया गया।
मौलाना बदरुद्दीन अजमल पार्टी और लोगों ने पिछले बिहार आकर सीएम नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने बिहार दौरे पर 2024 के लिए बन रहे विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की मंशा जाहिर की थी। इसके बाद भी नीतीश ने उन्हें बैठक में शिरकत होने का न्योता नहीं दिया। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर ममता बनर्जी से अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और कांग्रेस तक साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद से दूरी बनाई हुई है। पिछले महीने कांग्रेस ने असम में पूर्वोत्तर के राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर 2024 के चुनाव की रणनीतिक मंथन किया है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की AIUDF को नहीं बुलाया गया। उसके बाद से संकेत मिलने लगे थे कि बीजेपी के खिलाफ बनने वाले देशव्यापी विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना बदरुद्दीन अजमल से सेकुलर दलों की दूरी के पीछे सियासी वजह है, तथा कथित सेकुलर दलों को लगता है कि ओवैसी और अजमल के साथ लेकर मैदान में उतरे तो उन पर भी मुस्लिम परस्त और कट्टरपंथी पार्टी के साथ खड़े होने का आरोप लगाने की संभावना है। यही वजह है कि अजमल और ओवैसी के साथ बिहार से लेकर बेंगलोर तक किसी सियासी पार्टी ने न्योता नहीं भेजा। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अजमल की पार्टी के साथ थी, लेकिन चुनावी नतीजे के बाद कांग्रेस नेताओं ने हार का ठीकरा मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी पर फोड़ा था। कांग्रेस ने कहा था कि अजमल की मुस्लिम परस्त सियासत के चलते ही हम असम में हार का मुंह देखना पड़ा और भविष्य में कभी भी उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इसी तरह से बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल इलाके में 5 सीटें जीतकर RJD, कांग्रेस और JDU की चिंता बढ़ा दी थी। यूपी के नगर निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने संभल जैसी सीट जीतकर सपा की टेंशन बढ़ा रखी है। मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव तेजी से ओवैसी की पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, तो असम में अजमल की पार्टी अहम रोल में है। दोनों ही मुस्लिम दलों का एजेंडा मुस्लिम प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है, इस बात को लेकर ही अपनी सियासत कर रहे हैं, जबकि सेकुलर पार्टियां मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ रखना चाहते हैं लेकिन उन्हें भागीदारी देने पर कतराते हैं। कांग्रेस से लेकर सपा और RJD सभी दलों का यही हाल है, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के वोटों की मजबूरी भी है। देश में नरेंद्र मोदी के उद्धव के बाद में राजनीतिक पैटर्न बदल गया है। देश की सियासत मुस्लिम समुदाय के बहुसंख्यक समाज पर केंद्रित हो गई है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि 15% मुस्लिम के बजाय 85% हिंदुओं मतों पर बेस हो गई है। अजमल और ओवैसी की छवि मुस्लिम कट्टरपंथी नेता के तौर पर बनाई गई, उनके भाषण भी मुस्लिम पर केंद्रित रहते हैं। ऐसे में उन्हें साथ लेने पर बहुसंख्यक छिटकने का खतरा हुआ। देश की सियासत में सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे कुछ सीटें तो जीती जा सकती हैं, लेकिन सत्ता में सिंहासन तक नहीं पहुंचाया जा सकता। ऐसे में देश की सभी राजनीतिक दल अजमल से लेकर ओवैसी तक से गठबंधन करना तो दूर की बात है, उनके साथ मंच भी शेयर करने से कतरा रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस से लेकर तथा कथित जितने भी सेकुलर दल हैं वो सभी ओवैसी और अजमल दोनों ही नेताओं को BJP की पी टीम होने का आरोप लगाते रहे। मुस्लिम सियासत पर नजर रखने वाले सैयद कासमी कहते हैं कि देश में सभी मुस्लिम वोट लेना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम सियासत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। मुस्लिम लीडरशिप को ना ही कांग्रेस चाहती है आगे बढ़े और ना ही सपा। RJD, JDU सहित सभी विपक्षी दलों का नजरिया एक जैसा है। उन्हें लगता है कि मुस्लिम पार्टियों को साथ रखने से उनकी राजनीतिक अहमियत बढ़ेगी, तो फिर मुस्लिम वोटर्स उनसे छिटक सकता है। इसके अलावा देश में जिस तरह की सियासत है उसमें सेकुलर पार्टियां भी हिंदुत्व की राह पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके लिए मुस्लिम पार्टियां उनके लिए अछूत की तरह हो गई हैं।
सैयद कासिम कहते हैं कि अजमल और ओवैसी ही नहीं बल्कि जब भी मुस्लिम पार्टियां खड़े होने की कोशिश की है तो खुद को सेकुलर बताने वाली पार्टियां बीजेपी की तरह ही सांप्रदायिक रंग में नजर आने लगती हैं। बीजेपी जिस तरीके से मुस्लिमों को वोट टिकट देने से परहेज करती है, उसी तरह सेकुलर पार्टियां मुस्लिम सियासत को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। सेकुलर पार्टियां इस बात को जानती हैं कि मुस्लिमों के सामने सियासी विकल्प नहीं है, जिसके चलते उनका वोट देना मजबूरी है। इसके अलावा मुसलमानों का बीजेपी के खिलाफ नकारात्मक वोटिंग पैटर्न है, जिसके चलते सभी जानते हैं कि उन्हें ही वोट देंगे। पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट असम की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। साल 2011 के चुनाव में ये वहाँ की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस सत्ता में थी और ये विपक्ष में। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में असम की 14 लोकसभा सीटों में से 3 पर AIUDF को जीत मिली थी और कांग्रेस भी वहाँ केवल 3 सीट पर ही जीत मिली थी। 2016 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई तब उनको की ताकत का एहसास हुआ और 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन करने का ऐलान किया। गठबंधन की पूरी तैयारी हो गई चूंकि सीटों का बंटवारा भी हो चुका था, लेकिन आखिरी टाइम पर कांग्रेस ने धोखा देते हुए इनकार कर दिया। 2021 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बात कर गठबंधन का प्रयास किया और उन्होंने लोकसभा इलेक्शन से मिले धोखे को भुलाकर हाथ मिला लिया। मकसद था वोटों के बंटवारे को रोकना और बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, लेकिन हिंदू बहुसंख्यक इलाका अपर आसमा में कांग्रेस में 46 में सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी दोबारा सत्ता में वापस आ गई। अगले वर्ष राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी को फायदा पहुंचाया। UDF ने विधायकों की गद्दारी का जब पर्दाफाश किया और सवाल उठाया तो कांग्रेस ने मौलाना अजमल पर ही बीजेपी की पी टीम होने का इल्जाम लगा दिया और गठबंधन खत्म कर दिया। दूसरी तरफ चुपके से कांग्रेस ने अपने आप को विधायकों के खिलाफ मामूली कार्रवाई भी की। असम में कांग्रेस ने अब बीजेपी के खिलाफ चुप्पी साधी हुई है और केवल विरोध कर रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा का एक कम्युनल बयान आया जिसका कांग्रेस ने विरोध नहीं किया और जब मौलाना अजमल की तरफ से उसका विरोध हुआ तो कांग्रेस उल्टा मौलाना अजमल की गिरफ्तारी की मांग करने लगी, ये कहकर कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने CM को जवाब देकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। अब 2024 के लिए बनाए गए विपक्षी दलों के इंडिया में भी AIUDF को कांग्रेस ने जगह नहीं दी है। पिछले 12 जून को जब पटना में मीटिंग हुई थी तो उसमें नीतीश कुमार ने मौलाना को न्योता दिया था। नीतीश कुमार ने दूसरी पार्टियों के लीडरों के साथ मौलाना बदरुद्दीन अजमल से भी पटना में मुलाकात की थी। लालू प्रसाद यादव भी उनके साथ थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनको शामिल करने से इनकार कर दिया। विपक्षी दलों ने 26 पार्टियों का जो इंडिया बनाया है उसमें 10 से ज्यादा पार्टियां ऐसी हैं जिसके पास लोकसभा में एक भी MP नहीं है और न कभी जीत मिली है। विधानसभा में भी कोई पार्टियों के पास MLA नहीं है। सवाल ये है कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को इस गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल का कम्युनल सियासत पर इल्जाम भी ही नहीं है। इनकी पार्टी के नाम में भी कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे ये पता चले कि किसी खास धर्म की सियासत होती है। UDF के टिकट पर हिंदू और मुसलमान दोनों चुनाव लड़ते हैं। 2014 में करीमगंज लोकसभा से हिंदू समाज के उम्मीदवार को मौलाना की पार्टी से जीत मिली थी। असम की एक सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस ने अपनी सरकार रहते हुए मुसलमानों के लिए जितना काम वहां किया उससे ज्यादा मौलाना अजमल ने अपनी संस्था द्वारा काम किया है। 26 से ज्यादा कॉलेज बनाए, 40 से ज्यादा स्कूल कायम किए, अजमल सुपर 40 में NET, ZEE और UPSC की तैयारियां कराई जाती है। हर साल इन इलाकों